अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले दो ट्यूटोरियल हो चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग इन वर्ड कैसे करते हैं वो आज के इस फीचर में हम देखेंगे। ठीक है, आज के इस फीचर में मैं आपको होम टैब के ऊपर जो ये फॉर्मेटिंग टूल बार आपको नज़र आ रहा है इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है वो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फॉन्ट के बारे में, उसके बाद फॉन्ट साइज़ के बारे में जानते हैं, फिर फॉन्ट को बोल्ड इटैलिक उसका कलर किस तरह से चेंज करते हैं, ये हम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। यानी कि टोटली जो है हम वो फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर जो ये बने हुए हैं सारे आइकॉन्स इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो आज हम देखते हैं। टेक्स्ट को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्शन करने के बाद मुझे इस टेक्स्ट को क्या करना है, यहाँ पर आपको तीन अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलेंगे आपको। ये आपका अलाइनमेंट है, इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, पेज के लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड ये जस्टिफाई है। तो फिलहाल जो हम तीन अलाइनमेंट के बारे में देखते हैं, इसके शॉर्टकट्स वगैरह भी है, यहाँ पे कंट्रोल ई और राइट लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल है, और सेंटर के लिए जो है कंट्रोल ई है, और राइट के लिए जो है वो कंट्रोल आर है। ये कीबोर्ड से आप प्रेस करके भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं माउस से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल ई। हमें किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हम टाइपिंग तो करते हैं, लेकिन टाइपिंग करने के बाद जब तक उस डॉक्यूमेंट में हम फॉन्ट को फॉर्मेट नहीं करते हैं तब तक वो डॉक्यूमेंट आपको खूबसूरत नज़र नहीं आता है। कि ये तो हमने अब टाइप कर दिया, ये तो सीधा सीधा आपको टाइपिंग नज़र आ रही, लेकिन जब तक हम इसको फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, खूबसूरत बनाना है आपको, तो आपको जो है उसका हैंडराइटिंग चेंज करना पड़ेगा जिसको हम फॉन्ट स्टाइल कहते हैं, उसके बाद इसका कलर चेंज करना होगा, साइज चेंज करना होगा, बोल्ड इटैलिक बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट करके बता रहा हूँ। सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको ये दिख रहा है इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आ रहा है 11, तो इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको बड़ा कर दिया, या आप साइज़ यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर फॉन्ट साइज़। उसके बाद आता है फॉन्ट स्टाइल, ये दिख रहा है आपको फॉन्ट स्टाइल यानी कि हैंड राइटिंग। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर जाइए बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट है आप यहाँ से उसको यूज़ कर सके देख सकते हैं। इस फॉन्ट को चेंज करने का मतलब यह है कि आपके डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट कर रहे हैं, यानी कि आप उसको खूबसूरत बना रहे हैं कि जो भी प्रेजेंटेशन आप करोगे वो अच्छी तरह से आपको नज़र आना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पर बर्लिन सेंस जो ये फॉन्ट है ये ले लेता हूँ। ये देखिए आपका जो हेडिंग हो गया है ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती तरह से यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे इसे कलर करना है। तो फिर से देखिए डॉक्यूमेंट में आपको जो भी काम करना है फॉन्ट के ऊपर, इट्स कंपल्सरी टू सेलेक्ट दैट, आपको उसको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करोगे आपका जो एक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही क्लिक करोगे और यहाँ चेंजेस करोगे तो आपको कोई भी इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आएगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा आपको फॉन्ट कलर। जैसे आप फॉन्ट कलर पर क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए फॉन्ट कलर के बहुत सारे यहाँ पे गैलरी दिख रही है, थीम कलर्स दिख रहे हैं, जो भी कलर आपको यूज़ कर रहे हैं आप उस कलर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर कलर्स में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे कलर्स आपको कस्टम करने के लिए मिलेगा, जो भी कलर्स आपको यहाँ पे कस्टम करना है वो कस्टम कलर करके जो है आप अपने कलर लाइब्रेरी में इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऐड हो चुका है। इसके बाद फिर से मैं आपको बताता हूँ फॉन्ट कलर, ये देखिए फॉन्ट कलर ये हो गया। उसके बाद होता है हाईलाइटेड कलर, हाईलाइटेड कलर जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि आपने टेक्स्ट को हाईलाइटेड किया इस तरह से। हाईलाइटेड करने के बाद आप उसको जो बैकग्राउंड में अगर कुछ कलर देना चाहते हो तो आप ये देखिए बैकग्राउंड में फॉन्ट कलर चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों, ये जो है पीछे का जो हाईलाइटेड कलर है आपको ये चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल किसी डॉक्यूमेंट में आपको बताना है पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट करके, तो ये आप लाइन जैसे ये मैटर को मुझे हाईलाइट करके बताना है तो इसको मैं इतना ही सेलेक्ट करता हूँ और उसको हाईलाइटर, ये जो हम नॉर्मल जिंदगी में हाईलाइटर यूज़ करते हैं, जो हाईलाइटर एक स्केच पेन जैसा होता है यूज़ करते हैं, ये सेम लाइक दैट वैसे ही है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो हाईलाइटेड का हाईलाइटर का जो इफेक्ट है आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये दो ऑप्शन है, एक तो फॉन्ट कलर है उसके बाद हाईलाइटर है, उसके बाद आती है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ये तीन ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वर्ड के फीचर्स में। ये देखिए अगर इस लाइन को जो है मुझे यहाँ तक अंडरलाइन करना है तो मैं क्या करता हूँ अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अंडरलाइन का शॉर्टकट जो दिया गया है कंट्रोल यू, जैसे आप अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं ये देखिए आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है, ये हो गया अंडरलाइन।
अगर इसी लाइन को आपको फिर से रिमूव करना है दोस्तों, उसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। अंडरलाइन के साथ साथ यहाँ पर फिर से मैं एक बार अंडरलाइन की प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। ये अंडरलाइन की प्रॉपर्टी में आप जाओगे, यहाँ पर एक एरो है, उस पर आप क्लिक करोगे तो अंडरलाइन के जो है डिफरेंस यहाँ पर टाइप्स आपको नजर आएंगे। डबल अंडरलाइन, डैशेस अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, और ये देखिए यहाँ पर निकल रहा है। मोर अंडरलाइंस अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से मोर अंडरलाइन पे जाके यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल्स आपको नजर आएगा। ये यहाँ पे आप अंडरलाइन स्टाइल्स यहाँ से ले सकते हैं। जो भी अंडरलाइन आपने लिए ये लेकर यहाँ से ओके कर सकते हैं। ये देखिए अंडरलाइन आ चुकी है। अब साथ ही साथ मुझे अंडरलाइन का कलर भी चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। अंडरलाइन के ऑप्शन में आपको मिलेगा कलर चेंज करने का ऑप्शन। आप जो भी अंडरलाइन का कलर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत एडिटिंग के लिए बहुत पावरफुल ऑप्शन है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये तो हो गया अंडरलाइन की बात, ठीक है। अब आती है बात बोल्ड की। बोल्ड मतलब आपका जो मैटर है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ, ये जो मैटर है मुझे इसमें जो है बोल्ड का ऑप्शन यूज़ करना है तो मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ ये देखिए आपका मैटर जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं बोल्ड। इसका शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल बी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इटैलिक। ये भी जो एक स्टाइल है इटैलिक, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है दोस्तों। जैसे आप इटैलिक पे क्लिक करते हैं ये आपका टेक्स्ट जो है ना थोड़ा सा आड़ा हो जाता है ना, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इसलिए इसको इटैलिक कर दें। ये सारे ऑप्शन जो है वो क्लिक करने से अप्लाई होते हैं और क्लिक करने से रिमूव भी होते हैं। जैसे आप क्लिक करके अप्लाई करते हो वैसे आपको रिमूव भी करना है। ये देखिए फिर से मुझे अंडरलाइन रिमूव करना है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, अंडरलाइन निकाल देना है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए और अंडरलाइन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये आपकी अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। इस तरह से जो हम हाइलाइटर भी आपको ये हाइलाइटर जो इफेक्ट हमने लाया था इसे भी रिमूव करना है तो यहाँ पे जाइए और नो कलर पे क्लिक कर दीजिए। नो कलर मतलब आपका जो इफेक्ट था वो रिमूव हो जाएगा। और ये फॉन्ट कलर भी अगर आपको रिमूव करना है तो आप इसको भी जाकर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नो कलर या ऑटोमेटिक, ठीक है। ये ऑटोमेटिक पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है वो टेक्स्ट एज इट इज़ हो जाएगा। तो इस तरह से जो दोस्तों बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ पर जो दिया हुआ है फॉन्ट कलर और यहाँ पे जो दिया हाइलाइटर और यहाँ पर आपको मिलेगा फॉन्ट साइज और ये फॉन्ट स्टाइल, आप डिफरेंट डिफरेंट हैंड राइटिंग जो है अपने टेक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दो शॉर्टकट दिए गए हैं यहाँ पर फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये छोटा स्मॉल जो ए नज़र आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपका साइज़ जो है फॉन्ट का वो डिक्रीज होता है। फिर स्मॉल बिग ए के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। इस तरह से दोस्तों जो है हम साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट कलर और हाइलाइटर के बारे में देखेंगे। और ये जो फॉन्ट साइज़ हमने दिया है और फॉन्ट हैंडराइटिंग जो हमने दिया है ये आज के इस वीडियो में हमने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आगे के बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा, तो आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल का प्लीज़ इंतज़ार कीजिए।